हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास मर्सिडीज ML 350 4Matic आई हुई है। तो इसमें काम क्या है फ्रेंड, हम आपको बताते हैं। फ्रेंड, इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर का क्या कंप्लेन है कि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो ABS का लाइट है वो कंटिन्यू ब्लिंक करता है, मीटर पर कंटिन्यू आता है। तो सबसे पहले तो हम आपको इस गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे। देख सकते हैं, ये गाड़ी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये फ्रेंड देख सकते हैं, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये देख सकते हैं, ये ABS का लाइट है, ये कंटिन्यू आ रहा है मीटर पे। ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये लाइट जो है हट जाना चाहिए, लेकिन हट नहीं रहा है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम इस गाड़ी को स्कैनिंग करेंगे और स्कैनिंग करके चेक करेंगे कि कौन से व्हील का ABS सेंसर गया हुआ है, या वायरिंग में प्रॉब्लम है, या ABS सेंसर में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हम इसको स्कैनिंग करेंगे, स्कैनिंग करके चेक करेंगे और जो कंप्लेन रहेगा उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट है। ये देख सकते हैं, इसका साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे स्कैनिंग करते हैं और स्कैनिंग करके उसका। तो फाइनली फ्रेंड, हम इस मर्सिडीज का स्कैनिंग करके लाए थे। तो स्कैनर में हमें बताया कि फ्रंट लेफ्ट साइड का इसका ABS सेंसर का प्रॉब्लम है। तो हम इसका फ्रंट लेफ्ट साइड का ABS सेंसर ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड हम इसका गोला ओपन करेंगे। ये देख सकते हैं, इसका गोला ओपन कर रहे हैं, फेंडर लाइनिंग गोला इसको बोलते हैं, जिसे हम ओपन कर रहे हैं। क्योंकि ओपन करेंगे तो ही हमको ABS सेंसर का जो सॉकेट आता है उसका पिन दिखेगा ओपन करने के लिए। देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका ABS का सॉकेट है, यहाँ से हम ओपन करेंगे। ये पहले सबसे पहले देख सकते हैं पतला सा लॉक है। Yes. देख सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले तो इस लॉक को ओपन कर लीजिए। लॉक ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। ये बाकी जो प्रेसिंग सिस्टम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेसिंग है, यहाँ से ओपन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, एक लंकी ही है जिसमें हम 8 का ब्लैक पेटी का पाना लगाएंगे। 8 के ब्लैक पेटी के बॉक्स में से खुल जाएगा। इसका सेंसर है फ्रेंड, जूना वाला। अब हम इसमें नया सेंसर लगाएंगे आपको। ठीक है फ्रेंड, ये इसका नया ABS सेंसर है और इसका जूना है। तो हम नया ABS सेंसर फिट करके आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले तो इसको सब प्रेस कर लीजिए।
इसका लॉक बंद कर, बंद कर, बंद कर। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इसको प्रेस कर दिया है और इसका लॉक भी बिठा दिया है। देख सकते हैं खींचने पे भी बाहर नहीं आ रहा है, ऐसा खींच के देख लीजिएगा प्रेस करके, ठीक है। इसका पतला सा तार सा लॉक आता है, इधर पीछे दिखाई, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका लॉकिंग सिस्टम दिया है। इसको यहाँ पे लॉक सॉक अप में जो प्लास्टिक आता है इधर प्रेस कर दीजिए, उसके बाद से दोनों जो लॉक आता है, ये देखिए ये इसका लॉक है, ये पट्टी में ये प्रेस कर दीजिए ताकि आपका टायर वायर में कहीं टच ना हो। तो पीछे दिखाइए आंसर ये, ये देख सकते हैं एक और एक्स्ट्रा पट्टी है जिसको हम यहाँ लॉक करेंगे, ये हमने यहाँ लॉक कर दिया। यहाँ पे इसको दिया है प्रेसिंग करने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे लॉक कर दीजिए, यहाँ पे एक दिया है ये देख सकते हैं, उसको यहाँ पे लॉक कर दीजिए। उसके बाद से देख सकते हैं ये अपने नेकल में भी एक ब्रैकेट है, यहाँ पे प्रेस कर दीजिए, फिर आपका नेकल में फाइनली फ्रेंड हम इसको टाइट कर रहे हैं। तो ये हमारा ABS सेंसर रिप्लेस हो गया है, आप देख सकते हैं ये इसका लॉक है, लॉक भी हमने प्रेस कर दिया है, इसके जितने क्लिपिंग सिस्टम आते हैं वो भी प्रेस कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो लॉक किया है, यहाँ पे लॉक किया है, फिर इधर सॉकअप के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका क्लिपिंग सिस्टम दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो फाइनली हमने इसे फिट कर दिया है, इसका गोला वोला लगाते हैं, इसका गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं। फाइनली फ्रेंड हम इसका व्हील टाइट कर रहे हैं, जैसे हमारा अंसारी जी व्हील लगा रहे हैं, व्हील लगा के फिर डाउन करके स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड हमने इसका ABS सेंसर रिप्लेस कर दिया है,
और इसको हमने गाड़ी नीचे भी डाउन कर दिया है, डाउन करके ले लिया। आप देख सकते हैं हमने इसके जैक पे हाइड किया था एबीएस सेंसर रिप्लेस करने के लिए। इसका टायर व्हील भी ओपन किया था हमने, लेफ्ट साइड का इसका एबीएस सेंसर रिप्लेस किया है फ्रंट का। तो अभी हम आपको दिखाते हैं गाड़ी स्टार्ट करके कि इसका एबीएस सेंसर का जो मीटर पे लाइट आ रहा था कंटिन्यू, वो अभी हटता है कि नहीं हटता है। अंसारी जी जरा गाड़ी चालू कीजिए, ये देख सकते हैं हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, अभी हमारे मीटर पे किस पर कोई लाइट नहीं आ रहा है। हमारा जो ABS का कंटिन्यू लाइट आ रहा था वो पूरी तरह से जा चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारी वही गाड़ी मर्सिडीज़ A350, आप देख सकते हैं। चाहे तो हम आपको रिटर्न फिर से दिखाते हैं, ये देख सकते हैं ML350 4Matic। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा जो कस्टमर का कंप्लेन था वो सॉल्व हो चुका है। अब इसका कंप्लेन यही था फ्रेंड कि यहाँ पे जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे और रनिंग करेंगे तो ABS का लाइट आ जाता था और वो कंटिन्यू मीटर पे रहता था, ऑटोमेटिक जाता नहीं था। तो अभी देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक चला जा रहा है। चाहे तो फिर से हम एक बार गाड़ी बंद करते हैं। देखिए गाड़ी बंद की हमने, इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं, देखते हैं सारी लाइटें आ रही है। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ये देख सकते हैं हमारा ABS का लाइट तुरंत चला जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये गाड़ी हमारी पूरी तरह से प्रॉपर ओके हो चुकी है। अब इसका हम छोटा सा एक टेस्ट ड्राइव लेंगे कि रनिंग करने के बाद फिर से वो लाइट ना आ जाए, तो हम इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेंगे। वो तो हमारी तरफ से पूरी फाइनल है, ऐसा आना नहीं चाहिए, फिर भी एक टेस्ट ड्राइव ले लेंगे तो क्या हमारे लिए तसल्ली पूर्वक हो जाएगी कि ताकि रास्ते में कस्टमर को कोई कंप्लेन ना आए। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसे एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेंगे और उसके बाद एक गाड़ी कस्टमर को डिलीवरी कर देंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कमेंट में हमसे कुछ पूछना है तो बिंदास आप पूछ सकते हैं।